नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरें। हिमाचल प्रदेश में आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, पूरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसियों ने लगाए सीसीटीवी। जी हां, स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसियों ने सीसीटीवी लगाए हैं, पूरी खबर आपके साथ ये साझा करेंगे। ऊना के पनोगा में पीएनबी का एटीएम लूटा। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में लूटपाट की घटना सामने आई है, जिसमें कि पीएनबी का एटीएम लूट लिया गया है, पूरी खबर ये भी आपके साथ साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज को भेंट किए कुल्लू के वाद्य यंत्र करनाल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री को कुल्लू के वाद्य यंत्र भेंट किए हैं, पूरी खबर ये भी आपके साथ साझा करेंगे। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और एनएसबी न्यूज को स्टार भेजें, ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहें। हिमाचल प्रदेश के जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के गृह क्षेत्र धर्मपुर में ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़कर पहरा दे रहे हैं। उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम की व्यवस्था की है। इसके बाद थ्री लेयर सिक्योरिटी के अलावा अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के पंडोगा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में लूट का मामला सामने आया है। एटीएम में लगभग 9 से 10 लाख रुपए की नकदी थी। एटीएम मशीन को नकाबपोश कटर से काटकर कैश निकाला गया। घटना मंगलवार रात की है। नकाबपोशों ने पहले स्प्रे पेंट से सीसीटीवी को ब्लैक कर दिया, फिर एटीएम में लूट को अंजाम दिया। अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश में बनी 9 दवाओं समेत देश भर की 50 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। प्रदेश में बनी जिन 9 दवाओं के सैंपल फेल हुए, उनमें अल्सर, दर्द निवारक, खांसी, उल्टी, बेहोशी, पशु में भूख बढ़ाने वाली और असामान्य पाचन की दवाई शामिल है। इनमें 7 दवाइयां सोलन और 2 सिरमौर जिला में बनी है। समुद्र तल से करीब 10,500 फीट ऊंचे धार्मिक स्थल सरयूसर में बास करने वाली बूढ़ी नागिन माता मंदिर के कपाट 5 महीने के लिए बंद हो गए हैं। जलोड़ी दर्रा, रघुपुरगढ़ और सरयूसर में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान 0 के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में माता की पूजा अर्चना करना संभव नहीं है। अब माता के कपाट 15 अप्रैल को खुलेंगे। ताजा बर्फबारी के बाद मनाली के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की चहलकदमी बढ़ी है। बुधवार को अटल टनल रोहतांग, सिसू, गुलाबा और सोलंगनाला में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। सड़क पर फिसलन की आशंका को देखते हुए सुबह 10 बजे के बाद ही पर्यटकों के वाहनों को जो है वो आगे भेजा गया। हिमाचल के जिला ऊना के उपमंडल अम के भैरागाम में बीती रात हुई अचानक आगजनी में 2 दुकान की लगभग 6 लाख रुपए की संपत्ति खाक हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आईपीएल के आने वाले सीजन में हिमाचल के ऋषि धवन किंग्स पंजाब टीम का हिस्सा ही रहेंगे। ऑलराउंडर धवन पर फ्रेंचाइजी ने भरोसा जताया है और टीम के साथ रखने का फैसला लिया है। वहीं तेज गेंदबाज भैवव अरोड़ा को टीम ने रिलीज कर दिया है। भैवव अब अगले महीने होने वाली आईपीएल की मिनी ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। शहर में मॉडिफाई साइलेंसर और पटाखे मारने वाली मोटरसाइकिल के 12 मॉडिफाई साइलेंसर को पुलिस द्वारा उतरवाकर चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डीएसपी पौंटा रमाकांत ठाकुर द्वारा चलाई गई मुहिम में ये कार्रवाई अमल में लाएगी। बता दें कि शहर भर में मोटरसाइकिल और बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर का उपयोग किया जा रहा था, जिसके कारण शहर भर में न केवल नॉइस पॉल्यूशन हो रहा था बल्कि वायु प्रदूषण भी फैल रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीएसपी द्वारा 12 मॉडिफाई साइलेंसर को उतरवाकर उन बाइक चालकों पर फाइन लगाया गया है। हिमाचल के जिला किन्नौर में इस वर्ष सेब की बम्पर पैदावार हुई है, जिसके पीछे बागवानों की कड़ी मेहनत को ही एक बड़ा कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जिला किन्नौर में करीब 16 लाख से अधिक सेब पीटियों का अधिक उत्पादन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि हिमाचल की जनता से जो वादा किया था, वह G20 शिखर सम्मेलन में उन्होंने पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में हिमाचल की कला को प्रोत्साहन करने की बात कही थी। उन्होंने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को करनाल की जोड़ी भेंट की है। मोदी वाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। वहां पेड्रो सांचेज को भेंट के दौरान उन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्र करनाल दिया।
तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।